सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है कैसे आप बीएन वीडियो एडिटर के अंदर अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो अपने गैलरी के अंदर, क्योंकि अपने से काफी सारे लोगों ने मुझे बताया है कि बीएन वीडियो एडिटर के अंदर वीडियो को सेव किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास तो वीडियो सेव का ऑप्शन नहीं आता है, वहां पर पब्लिश का बटन आ जाता है या वहां पर कुछ और ही आ जाता है। सो इस वीडियो पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से आप वीडियो को सेव कर सकते हो, किसी भी रेजुलेशन में कैसे आप सेव कर सकते हो और 4K रेजुलेशन में भी आप सेव कर सकते हो। सो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, आपकी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद, और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, और मेरा जो सबसे पहला स्टेप है इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अपना जो बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है मेरा बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको प्रेस करके रखना है। अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपली कर देना है अनइंस्टॉल, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने बीएन वीडियो एडिटर को मेक श्योर अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा प्लीज उसे आप फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है बीएन लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आप इसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पर जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको बस कुछ ही सेकंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी हमारा जो फाइल है डाउनलोड हो रहा है, यानी हमारा एप्लीकेशन, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करना है। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे यहाँ पर आपको स्किप का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन आपको क्या करना है, राइट साइड की कॉर्नर पर आपको एक सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, एज यू कैन सी हियर, सिंपली आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में मिलता है एक ऑप्शन जिसका नाम है एक्सपोर्ट सेटिंग्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना रेजुलेशन चूज कर लेंगे, जैसे कि कौन सा रेजुलेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, मैं 4K को सिलेक्ट करूँगा, ओके। और यहाँ से मैं FPS को चूज़ करूँगा 60 FPS, और बिटरेट को मैं चूज़ करूँगा हाई, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंपली कर देना है सेव, ठीक है। सो ये सेव हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर 4K आ चुका है और 60 FPS आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे और एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है प्रीव्यू परफॉर्मेंस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। बेसिकली जब आप कोई भी वीडियो को एडिट करोगे बीएन वीडियो एडिटर के अंदर, अगर आप वहां से वीडियो को प्ले करेंगे तो कौन सी रेजुलेशन में वीडियो शो होगा वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कंप्रेशन क्रिटिकल रेजुलेशन और कंप्रेशन क्रिटिकल फ्रेम रेट, तो इन दोनों को आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बीएन के अंदर वीडियो एडिट करूं तो उसका जो प्रीव्यू मुझे 4K क्वालिटी में दिखे, सो यहां से मैं 4K को चूज़ करूँगा, तो आप भी ऐसा ही सेटिंग कीजिएगा। फ्रेम रेट आप यहां से चूज़ कर सकते हो 90 FPS या 120 FPS, तो चलो 120 FPS को सिलेक्ट कर लेते हैं। आ जाना है बैक आपको यहाँ से, और कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्लस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, अलाउ कर देना है, ठीक है। सो उसके बाद आप यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे नॉर्मल आप किसी भी टाइप का एक वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। सो ये आप देख सकते हो ये हमारा वीडियो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा बीएन वीडियो एडिटर के अंदर। सो ये वाटरमार्क आपको डिलीट कर लेना है, ओके। अभी हमें क्या करना है, आप चाहो तो इसमें कुछ एडिट वगैरह कर सकते हो, फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है। सो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो, सिंपली आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रिपेयरिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। सो आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है एक्सपोर्टिंग 2% 3%, सो जब तक ये वीडियो यहाँ पर 100% नहीं हो जाता, एक्सपोर्टिंग 100% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जब तक ये नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है, तो चलो हम भी वेट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव टू एल्बम। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको मिलता है टाइटल डिस्क्रिप्शन, बेसिकली ये आपके काम का चीज़ नहीं है, और ना तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेव टू एल्बम। अब हमें क्या करना है, सीधा यहाँ से आ जाना है बैक। सो डायरेक्टली यहाँ से मैं आ गया बैक, उसके बाद यहाँ से मैं अपनी गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। सो गूगल फोटोज़ को मैंने ओपन कर लिया, और ये आप देख सकते हो ये हमारा वीडियो आ चुका है,
जैसे कि आप देख सकते हो वही वीडियो जिस वीडियो को हमने वहाँ पर इनपुट किया था। सो आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई दे रहा है और यहाँ से मैं आपको वीडियो का रेजोल्यूशन दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2K रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली आप BN वीडियो एडिटर के अंदर अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो या बोल सकते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेव टू एल्बम या आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।